सबसे पहला सवाल जेई एडवांस 2020 में आया हुआ है और सवाल पढ़ते हैं एक बार. टू आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स, नॉन कंडक्टिंग है, of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless strings of same length at equilibrium. The angle between the strings is alpha. The spheres are now immersed in a dielectric liquid of density 800 and dielectric constant 21. If the angle between the strings remain the same after the immersion, then A, B, C, D in four options में से आपको बताना है कि कौन से सही होंगे options. तो ये जो सवाल है, पहले तो मैं ही बताना चाहता हूँ इस सवाल की हिस्ट्री. ये सवाल लगभग सारे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सबके मॉड्यूल्स में आपको मिलेगा. और ये सवाल मैंने पिछले साल जिन बच्चों को पढ़ाया है उनके ये क्लास में किया हुआ सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है. बस उसमें ये पूछा गया था कि लिक्विड में जब एयर में होता है ये पूरा सिस्टम तो एंगल इतना है, तो जब इन पूरे सिस्टम को एक दूसरे लिक्विड में डुबो दिया जाता है जिसका जो रिलेटिव परमिटिविटी है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ अलग है, तो एंगल कितना हो जाएगा. तो उसका आंसर आता था कि एंगल जो है वो बराबर रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए स्टार्टिंग से सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, कॉमन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, और उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से दो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग रस्सियां लगी हुई हैं और उनसे कनेक्टेड हैं दो ऐसे स्फीयर. दोनों के ऊपर चार्ज है, तो ये कॉमन सी बात है कि ये दोनों चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है कुछ ऐसे आपको दिखाई देने वाला है. थोड़ा सा मैंने एग्जैजरेट कर दिया है, ठीक, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा. ये वर्टिकल से मैं कह सकता हूं बिकॉज ये मासेस और इनके चार्जेस एकदम सिमेट्रिकल हैं, तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना एंगल ये बनाने वाले हैं. ये मास इसका m है, चार्ज इसका q है, मास इसका m है, चार्ज इसका q है. एंगल टोटल जो दिया है हमें अल्फा के बराबर दिया है, 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा हमें दिया है. ठीक है, तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हैं इक्विलिब्रियम में. तो इसके ऊपर एक टेंशन लग रहा होगा t के बराबर, और इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा इस तरह, एक f नॉट मैं इसको कह देता हूं और इस वाले फोर्स को f नॉट कह देता हूं. ठीक बात, ये टेंशन यहां पे है, यहां पे भी टेंशन है, यहाँ पे जो है mg के बराबर फोर्स लग रहा होगा. ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा. ये बन जाएगा आपके पास t cos थीटा, ये बन जाएगा आपके पास t sin थीटा. इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे तो ये फोर्स और ये फोर्स आपस में बराबर कर देंगे, तो f नॉट इज इक्वल टू t sin थीटा, f नॉट इज इक्वल टू t sin थीटा, और t cos थीटा और mg आपस में बराबर है, t cos थीटा इज इक्वल टू mg. दोनों को यदि डिवाइड कर दिया जाता है तो आपको यहां से t कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा आपको मिल जाएगा f नॉट अपॉन mg. f नॉट अपॉन mg की वैल्यू आपको मिल जाती है tan थीटा के बराबर. अब f नॉट आप निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बिकॉज आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी नहीं गई है, आपसे सिर्फ रिलेशंस पूछे गए हैं कि घटेगा बढ़ेगा चेंज होगा नहीं होगा, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. और यही बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम में तो आप एक बार जरूर ऑप्शंस जरूर देखिए, एक बार सरसरी निगाहों से ऑप्शन जरूर देखिए, जिससे आपको एक अप्रोच पता चलेगी. ऐसे ब्लाइंडली आप फॉलो नहीं करें क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ लिया ऑप्शन देखे ही नहीं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट ट्रेडिशनल तरीके से, ऐसे आप बहुत ज्यादा टाइम जो है लूज कर सकते हैं. तो आप ऑप्शंस देखें, ऑप्शंस में जो है फोर्स के बारे में ये नहीं कहा गया है कि कितना वैल्यू है, टेंशन नहीं पूछा है कितना है, बस ये पूछा है कि चेंज हुआ है नहीं. तो हम इफ एफ नॉट से ही काम चलाने वाले हैं, ठीक है, एफ नॉट से ही काम चलाने वाले हैं. अब क्या होता है, अब इनको रखा जाता है एक दूसरे मीडियम में, और मीडियम में रखने पर भी होता क्या है कि इनका बीच का जो एंगल है वो चेंज नहीं होता है. एंगल चेंज नहीं होता है इसका मतलब इनकी पोजीशन भी चेंज नहीं होती है. तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो मैं किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो वर्टिकल से कह सकता हूं अभी भी एंगल थीटा के बराबर होगा विच इज अल्फा बाई टू, और ऊपर की तरफ एक बायंसी फोर्स लगेगा एफ बी के बराबर, तो मैं कह सकता हूं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी, तो जिससे हमें एक कम कंपोनेंट से डील करना पड़ेगा. तो मैंने डायरेक्ट फोर्स लिख दिया है mg माइनस fb बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक बायंसी फोर्स लगेगा. एक फोर्स यहां पे लगेगा इस डायरेक्शन में f0 डिवाइडेड बाय k, ये सब लोग जानते हैं कि यदि मीडियम बदल दिया जाता है
तो जो चार्जेस होते हैं उनके बीच का इंटरेक्शन तो सेम रहता है, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से मीडियम भी पोलराइज हो जाता है और मीडियम भी फोर्स लगाता है चार्जेस पर। तो नेट फोर्स की यदि बात करें, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो है वो कम हो जाता है, एफ नॉट बाय के हो जाता है। लेकिन यदि मैं इन दोनों स्फीयर्स के बीच के फोर्स की बात करूं वो अभी भी सेम रहता है, ठीक है। तो नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, एफ नॉट बाय के हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज मीडियम भी अब इस पर फोर्स लगा रहा होगा, मीडियम पोलराइज हो जाता है और इसके ऊपर फोर्स लगाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टेंशन जो है, लेट्स से दिस इज टी डैश, ये एंगल जो है हो जाएगा आपके पास थीटा अगेन। इसके बाद यहाँ लिख सकूंगा मैं टी डैश कॉस थीटा, यहाँ जाएगा आपके पास टी डैश साइन थीटा। फिर सेम इक्वेशन को कॉपी करना है, बस यहाँ पे टी डैश लिखना है, यहाँ पे एफ नॉट माइनस सॉरी यहाँ पे एफ जी माइनस एम जी माइनस एफ वी लिखना है, और यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको एफ नॉट डिवाइड बाई के। तो मैं इक्वेशन दोबारा से टीक देता हूँ, एफ नॉट बाई के इज इक्वल टू टी डैश साइन थीटा डिवाइडेड बाय, या जाएगा आपके पास एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू टी डैश कॉस थीटा। दोनों को यदि फिर से डिवाइड कर देते हैं, टी डैश टी डैश चला जाता है, आपको मिल जाए ये टेन थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय के, और आ जाएगा आपके पास एम जी माइनस एफ बी। और हम जानते हैं कि थीटा चेंज हुआ ही नहीं है, तो ये टेन थीटा और पुराना टेन थीटा जो है दोनों को आप बराबर कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से एफ नॉट डिवाइडेड बाई के एम जी माइनस एफ बी इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एम जी। ठीक, पिछले पार्ट में यही आया था हमारे पास एफ नॉट बाई एम जी, इसको सॉल्व करिए, एफ नॉट से एफ नॉट चला जाता है, यहाँ मिलेगा आपको के विच इज 21। एम जी की बात करें, एम जी मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है क्या, डेंसिटी नहीं दिया है, बॉल्स का डेंसिटी नहीं दिया है, लिक्विड का डेंसिटी दिया है, लेकिन तो यहाँ पर लिख सकते हो सिग्मा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास बाहर वी जी, और यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ रो, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी, एम जी सिग्मा वी जी, वी जी से वी जी चला गया है यहाँ पे, और रो आपको दिया है 800 के बराबर, सो दिस इज 800, तो आपको मिल जाएगा 21 सिग्मा माइनस 21 इंटू 800 इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा को इधर ले जाइए, सो 20 सिग्मा इज इक्वल टू 21 इंटू 800, ये जीरो से जीरो चला गया, दो से गया है 40 बार, तो आ जाएगा आपके पास 840 जो है सिग्मा की वैल्यू मिल जाती है। सो डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 840, तो ऑप्शन मिलाना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि मास डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज 840 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सी ऑप्शन सही है। पहला वाला ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर्स रिमेन अनचेंज्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूसेस, तो बिटवीन स्फीयर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि उन दोनों के आपस का इंटरेक्शन जानना चाह रहे हैं, तो वो अनचेंज रहता है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टोटल यदि फोर्स पूछा जाता है तो वो मीडियम पर डिपेंड करता है, वो डिक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे हम ए ऑप्शन जो है टिक कर देंगे। अब सबसे बाद में हमारे पास ऑप्शन आता है डी, उसमें लिखा है द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेंस अनचेंज। अब टेंशन की बात करते हैं, टेंशन चेंज होगा या नहीं होगा, तो टेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास सिग्मा आ चुका है और हमारे पास टेंशन से जुड़ी हुई ये वैल्यू है, एक हमारे पास है एफ नॉट बाय के, टी डैश साइन थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट बाय के, और यहाँ पे हमारे पास टी साइन थीटा इज एफ नॉट बाय एम जी, एफ नॉट ठीक है, तो यहां लिखूंगा मैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ नॉट, था यही था ना, टी साइन थीटा इज एफ नॉट, और हमारे अब वाले ऑप्शन में क्या है कि टी डैश साइन थीटा, थीटा तो सेम है, इज इक्वल टू एफ नॉट बाय के, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा टी बाय टी डैश इज इक्वल टू 1/1 बाय के, तो जाएगा आपके पास ये के बराबर, तो यहां से टी डैश मिल जाता है आपको टी बाय के, इसका मतलब टी डैश की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो चुकी है 21 के फैक्टर से, तो टेंशन डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब अनचेंज वाला ऑप्शन गलत है, तो बी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट यू सेट, यानी कि स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ड्रॉपर्स, यानी कि जो स्टूडेंट ड्रॉपर्स हैं, यानी कि 12th पास कर चुके हैं और वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए ये यू सेट का एग्जाम है जो कि 11th और 12th सितंबर को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप इस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, यानी कि आप टॉप 1000 रैंकर्स में आते हो, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा अनअकैडमी पे। ठीक है, ऊपर से आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट हो जाएगी, और आपको इस टेस्ट को देने से, क्योंकि इसका एनालिसिस भी आपके पास आएगा, कौन से एरिया के कौन से टाइप के क्वेश्चन आप वीक है, वो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा।
एकेडमिक प्लान मिलेगा आपको कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो कैसा होगा ये क्वेश्चन पेपर, इसमें 90 क्वेश्चन होंगे, 180 मिनट्स आपको मिलेंगी, ठीक है ना। जेई मेन का पैटर्न होगा, ठीक है ना। अगर आप इसमें बहुत बेहतरीन रैंक लेके आते हो, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप 1.6 करोड़ तक के इनाम जीत सकते हो, यानी कि ये पूल ऑफ अवार्ड्स है, ठीक है। अब बच्चों जब भी आप इसको एनरोल करोगे तो एनकेसी सर लाइव कोड डालना मत भूलना, इट्स अ फ्री कोड, ठीक है ना। आप इसमें फ्री अप्लाई कर सकते हो इस कोड की हेल्प से, ठीक है। अब कुछ और ऑफर्स है बच्चों अनअकैडमी पे। अगर आपको महाराष्ट्र बोर्ड में हो आप और उसके साथ आपको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना, तो बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप 2 साल के स्टूडेंट हो, यानी कि 11 12th पूरा करना है, साथ साथ में आपको आईआईटी की प्रिपरेशन भी करनी है, तो आपको 56,103 में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फॉर 24 मंथ्स, और 12 मंथ्स के लिए, यानी कि अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो आपको 38,602 में मिल जाएगा। अब अगर आपको आईआईटी जेई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए और साथ में 11 12th की सीबीएसई की क्लासेस, यानी कि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो और आपको आईआईटी जेई का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आगे बढ़ना है, तो आपकी 24 मंथ्स की फीस है 100,100, ठीक है। अब वन ईयर की, यानी कि 12 मंथ की है 65,096, और ये ऑफर 14 सितंबर तक वैलिड है। बस कब तक वैलिड है? 14 सितंबर तक। ये पिछले वाला ऑफर भी आपके पास 14 सितंबर तक ही वैलिड है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो आपकी 2 ईयर की फीस होगी 56,097। आईआईटी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन आपको करनी है तो 56,097 24 मंथ्स की है, और 38,599 12 मंथ्स की है। ये ऑफर भी 14 सितंबर तक ही वैलिड है, ठीक है बच्चों। और ये सीबीएसई का नॉन आइकॉनिक है, ये आईआईटी जेई के साथ अगर आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन करनी है तो 30 मंथ्स का, ठीक है ना, कितना है 68,799, ठीक है बच्चों। तो ये ऑफर्स हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी की तरफ से आए हैं। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एनरोल कर लीजिए, और ये कोड डालना ना भूलिए, एनकेसी सर लाइव, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, थैंक यू। उसके बाद हम क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका आपको वेक्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, ई वेक्टर इज इक्वल टू -400 √3 वाई कैप। वाई कैप का मतलब जे कैप है बेसिकली, न्यूटन पर कूलम, और वो एक रीजन में अप्लाइड किया जाता है, ठीक बात है। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम कैरिंग पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्रोजेक्टेड इन अ रीजन विद इनिशियल स्पीड ऑफ 2√10 अंडर रूट ऑफ इनटू 10^6 मीटर पर सेकंड। दिस पार्टिकल इज एम टू हिट अ टारगेट एट टी विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट इन टू द फील्ड shown schematically in the figure, take q by m is to 10^10, then आपको ये चार options solve करने हैं। चार options एक बार पढ़ लेते हैं। The particle will hit t if projected angle is 45। तो एक में तो हमसे पूछा है कि एंगल कितने से फेंका जाना चाहिए, दूसरे में पूछा है कि टाइम कितना लगेगा हिट करने में। तो चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। डायग्राम जो है एक बार दोबारा बना देता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 400√3। एक पॉजिटिव चार्ज यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, QE बाय एम के बराबर, और इसको प्रोजेक्ट किया जाता है कुछ इस तरीके से विद स्पीड u, और u की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 2√10 × 10^6 2√10 × 10^6 मीटर पर सेकेंड, और इसे हिट करना है एक टारगेट को जो 5 मीटर दूर है यहां से, 5 मीटर दूर है यहां से। तो अब आप देखिए, यदि ये एंगल थीटा से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है तो ये यहां पे आके गिर सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रोजेक्टाइल का ही केस है जिसमें ऑब्जेक्ट के पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। तो प्रोजेक्टाइल वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, ठीक। इसे कह सकते हैं कि रेंज है, रेंज का वैसे जनरल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, रेंज का जनरल फार्मूला होता है 2 times ux uy डिवाइडेड बाय ay, ठीक। यहाँ पे यदि मैं u cos थीटा, यहाँ पे मैं u साइन थीटा रख देता हूँ तो मुझे यही फार्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करिए, r की वैल्यू है 5 मीटर, u स्क्वायर विच इज 4 into 10
इंटू 10^12 इंटू साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय क्यू ई बाय एम ई की वैल्यू कितनी है 400√3 के बराबर और क्यू बाय एम की वैल्यू आपको दे रखी है 10^10 के बराबर तो ये 10^10 है तो 10^10 से पावर जो है दो बची आपके पास और दो जीरो से ये दोनों पावर भी खत्म हो जाती हैं चार से चार चला जाता है ये √3 को इधर ले जाइए 10 को इधर ले जाइए तो मिलेगा आपके पास 5/10√3 तो आपको मिल जाएगा ये √3/2 इज इक्वल्स टू साइन टू थीटा और साइन टू थीटा √3/2 है इसका मतलब 2θ की जो वैल्यू है 2θ इज इक्वल टू 60° और थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 30° के बराबर 30° थीटा की वैल्यू मिल जाती है और हम ये बात जानते हैं कि किसी एंगल थीटा पर हमें एक रेंज मिल रही है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर भी हमें सेम रेंज मिलती है तो थीटा और 90-θ पर हमें सेम रेंज मिलने वाली है तो आप चाहे थीटा से फेंकें 30 से फेंकें चाहे आप 60 से फेंकें तो भी आपका पार्टिकल यहाँ पर गिरेगा लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों ही केसेस में अलग अलग होने वाला है तो हमने एक पार्ट तो निकाल लिया कि 30 और 60 डिग्री एंगल जो है लगने वाले हैं तो पहला ऑप्शन जो है गलत हो जाता है दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है अब बात करते हैं टाइम की कि कितना टाइम लगने वाला है दोनों ही केसेस में सही बात भी यार कि एंगल अलग अलग रहे तो टाइम भी अलग अलग लगने वाला है तो टाइम का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ / g जी की जगह मैं लिख दूंगा एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है तो यहाँ आपको एक बार थीटा 60 रखना है एक बार थीटा 30 लिखना है तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 × √10 साइन थीटा यानी कि साइन 30 विच इज 1/2 ये हो गया 2u में 10^6 रह गया था 2 × u × sin 30° डिवाइडेड बाय QE/m सो Q/m इज 10^10 और e की वैल्यू कितनी है 400√3 के बराबर अब इसे सॉल्व कर लीजिए जी तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा ये 10^10 है ये 400 है 10^10 से ये चला जाता है 10^-6 टाइम्स ये भी हट गए 2 और 2 4 से 4 चला जाता है और ये 2 है और सबको अंडर रूट में ले जाइए तो आपको मिलेगा 10/4 × 3 और ये आ जाएगा आपके पास 10^-6 देखिए आपको क्या मिल जाता है यहाँ से 2 से चला गया 2 बार 2 से चला गया 5 बार सो √5/6 × 10^-6 सेकंड आपको मिलता है जब एंगल की वैल्यू आप डालते हैं 30° के बराबर और जब एंगल आप 60° के बराबर डाल देते हैं तो आप इस आंसर में √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपका काम बन जाएगा कि √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/6 × 3 तो × 10^-6 तीन से गया 2 बार सो √5/2 × 10^-6 सो 5/2 एंड √5/6 microsecond आपका आंसर आपको मिल जाता है तो सी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन जो है JEE एडवांस 2019 में पूछा गया है और सवाल में आपको दिया है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मूवमेंट p0/√2 i² + j² पहले आपको इसे डिकोड करना होगा कि ये है क्या चीज़ ठीक है यदि आपको प्रैक्टिस है तो आप समझ ही जाएंगे कि ये वैसे ही आपको डराने के लिए दिया हुआ है सो दिस इज बेसिकली i² / √2 + j² / √2 और ये एक यूनिट वेक्टर है दिस इज अ यूनिट वेक्टर है ये अलोंग y = x ये जो लाइन होती है वन स्लोप की 45° x एक्सिस से बनाते हुए उस लाइन के पैरेलल ये एक वेक्टर है यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड जो है डायपोल मोमेंट का वो कितना है p0 के बराबर आगे दिया है कि ये ओरिजिन पर रखा हुआ है फिक्स्ड इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड e0 एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है जिसका मैग्नीट्यूड e0 है यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर एक पॉइंट पर समान है अच्छा इफ द पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटर्ड एट द ओरिजिन इज शोन इन फिगर देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज /r तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है स्टेटमेंट कैसे दिए हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी टू पॉइंट्स विल बी सेम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज 0 टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज दिस एंड आर इज इक्वल टू दिस तो ये हमसे पूछे गए हैं 4 डिफरेंट तरह के आंसर चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास एक सर्कल है जो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस सर्कल के सेंटर पर इस स्फीयर के सेंटर पर सर्कल है क्या सर्कल है ठीक है सर्कल है सर्कल के सेंटर पर एक डायपोल रखा है और डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है उसका आपने निकाल ही रखा है डायरेक्शन
कि ये कुछ इस तरीके से रखा हुआ है पी नॉट, और इसको यदि मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ डायपोल के एक्सिस को, तो ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट करता है इस सर्कल को, ए कहा गया है इसे, और इस डायपोल के परपेंडिकुलर, डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन में यदि मैं बनाता हूँ तो वो बी पॉइंट पर आपको कट करती है सर्कल को। तो हम एक बात जानते हैं कि यदि ये सर्कल एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा नॉर्मल होता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट, का जो टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट है मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन यहाँ पे हमें दिमाग लगा के सोचनी है कि किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल टू सरफेस आना चाहिए, उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, इस पॉइंट पर यदि मैं बात करूँ, ये पॉइंट इस डायपोल के लिए एक्सिस का काम कर रहा है, एक्चुअल पोजीशन का काम कर रहा है, तो इस पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होगा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 2kp डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, बिकॉज रेडियस इसका r है, तो इसके सेंटर से डायपोल के यहाँ तक की दूरी जो है कैपिटल r के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट एक्चुअल पॉइंट इज 2kp बाय r क्यूब, डायरेक्शन होगी डायपोल के डायरेक्शन में। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन पर जो ये पॉइंट है इसे इक्विटोरियल पोजीशन कहा जाता है, इस इक्विटोरियल पोजीशन पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, kp बाय r क्यूब एंड 2kp बाय r क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे डायपोल की वजह से। अब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ है e0 के बराबर, वो e0 ऐसे होना चाहिए जिससे टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी कॉम्पोनेंट ना आ सके। तो एक बात देखिए बेटा, यदि मैं बात करूँ पॉइंट बी की, पॉइंट बी पर कोई भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो है, इस पॉइंट पर टेंजेंट के अलॉन्ग ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही नहीं चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ बड़े कॉन्फिडेंस से कि e0 जो है इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो एक दूसरे को एक काट देंगे और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं आएगा, वही इक्विपोटेंशियल सरफेस की निशानी है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि e0 जो है वो बराबर होने वाला है kp डिवाइडेड बाय r क्यूब के, k को लिख सकता हूँ मैं 1/4πε0, आ जाएगा p/r³। तो यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से मिल जाएगा आपको r इज इक्वल टू p/4πε0e0⁻³। तो ये आपको रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी, इस रेडियस की सर्कल का जो रेडियस है वो आपको मिल जाता है। अच्छा, यदि हमें e0 की वैल्यू पता चल चुकी है, e0 का डायरेक्शन पता चल चुका है, तो मैं इस पॉइंट पर कह सकता हूँ इस पॉइंट पर भी जो e0 है इस डायरेक्शन में होगा, बिकॉज वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर एक पॉइंट पर e0 की जो डायरेक्शन है वो यही होने वाली है। तो मैं ए पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमसे पूछा भी गया है वो बता सकता हूँ कितना होगा, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 2kp/r³ प्लस e0 विच इज kp/r³। तो कितना आ जाएगा आपके पास 3kp/r³। सो 3kp/r³ इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, और यदि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें नेट, वो आपको मिल जाता है 0 के बराबर। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन कौन से बैठ रहे हैं, कि पहले तो आर चेक करिए, आर मैच कर रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। सी ऑप्शन की बात करें, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखना है, तो देखिए बेटा इसे आप √2 से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो √2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, √2 से मैंने इसको डिवाइड किया, आपको मिल जाएगा यहाँ से e0 i cap + j cap, है ना, और यहाँ √2 भी है। सो √2 कितना हो गया 2 के बराबर, सो 2e0, और यहाँ मिल जाएगा आपको i cap/√2 + j cap/√2। तो इसने डायरेक्शन तो ठीक बताई है, लेकिन इसने मैग्नीट्यूड बताया है 2e0 के बराबर, लेकिन हमारा आंसर जो है 3e0 के बराबर हमें मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे ये टोटल जो है ये होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था आंसर में, ये 3 होना चाहिए था। इसको 3 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप 3 बनाइए इसे और 3 से डिवाइड कर दीजिए और √2 को हटा दीजिए, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पे यार, जो आंसर है हमारा आना चाहिए 3 के बराबर। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी 0, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बात करें ए ऑप्शन की, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम, ऐसा नहीं है कि सेम नहीं होगा किन्हीं भी 2 पॉइंट पर, बिकॉज डायपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है,
और लेकिन जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सेम डायरेक्शन में है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने वाला है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, बी और डी सही है हमारे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन जो है एडवांस 2014 में आपसे पूछा गया था। लेट इवन E2 एंड E3 बी द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू एंड इन्फिनिटली लॉन्ग वायर विद कॉन्स्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड इनफाइनाइट प्लेट विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो तीन हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, एक है पॉइंट चार्ज, एक है हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और एक हमारे पास है इन्फिनिटली प्लेन शीट जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। दिया नहीं है तो नॉन कंडक्टिंग मानेंगे इसे। इफ इवन E2 एंड E3 आर इक्वल एट गिवन डिस्टेंस आर नॉट, तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से रिलेशन ट्रू होने वाला है। तो हम इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एक इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस आर पर होने वाले पॉइंट की होती है E2R इज इक्वल टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय R। अब यदि हम बात करें प्लेन शीट की, एक प्लेन शीट है जो इनफाइनाइट तक फैली हुई है, उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से E3R हम कह सकते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप k की टर्म्स में लिख दीजिए, k की टर्म्स में लिखने के लिए मैं यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 पाई से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 2 एंड 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा विच इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट विच इज k, तो आपको मिल जाएगा k सिग्मा 2 पाई इज E3। अब यदि मैं इसको और इसको इक्वेट कर देता हूँ, बिकॉज दिया हुआ है कि आर नॉट डिस्टेंस पर ये बराबर हैं, तो मुझे q और सिग्मा के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। यदि मैं E1 को और E3 को बराबर कर देता हूँ तो मुझे E2 और E3 को बराबर कर देता हूँ तो मुझे लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन पता चल जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के सिग्मा टू पाई। तो यहाँ से देखिए के से के कैंसिल आउट हो जाता है और क्यू की वैल्यू आपको मिल जाती है सिग्मा 2 पाई आर नॉट स्क्वायर। क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई आर नॉट स्क्वायर आपको मिल जाता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही नहीं है, तो ये अपन गलत कर देंगे। उसके बाद E2 और E3 को आपको इक्वेट करना है, तो आपको मिलेगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर नॉट इज इक्वल टू k सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ k से k कैंसिल आउट आप कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से पूछा क्या है आर नॉट पूछा है, तो आर नॉट को इधर ले जाइए, पूरा सामान इधर ले जाइए, 2 से 2 भी चला गया वैसे, सो मिल जाएगा आपको लैम्डा डिवाइडेड बाय सिग्मा पाई। लैम्डा बाय सिग्मा पाई इज इक्वल टू आर नॉट, चेक कर लीजिए क्या मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इवन एट आर नॉट बाई 2 इज 2 टाइम्स E2 एट आर नॉट बाई 2, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर नॉट जगह पर ना निकाल कर आप आर नॉट बाई 2 पर निकालिए और देखिए क्या ये रिलेशन आपको मिल रहा है। तो चेक कर लेते हैं ये रिलेशन, हम लेफ्ट हैंड साइड ये ऑप्शन में रख के देख लेते हैं वैल्यू, तो आपको मिलेगा इवन एट आर नॉट बाई 2 विच इज के क्यू डिवाइड बाई आर नॉट बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स E2 at R0 by 2 which is 2k lambda divided by R0 by 2। देखिए इसे सॉल्व करके, तो 4 times KQ by R0 square is equals to, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 8k lambda divided by R0। अब हम ये बात जानते हैं कि क्या बराबर है आपस में, के क्यू बाय आर नॉट स्क्वायर और 2k लैम्डा बाय आर आपस में बराबर हैं, तो ये जो है सही बैठ रहा है, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, क्योंकि मैं 8 को लिख सकता हूँ 4 into 2 एंड 2k लैम्डा बाय आर नॉट जो है वो के क्यू बाय आर नॉट स्क्वायर के बराबर है, तो ये रिलेशन बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन हमारा सही आ जाता है। ऐसे ही आप डी ऑप्शन चेक करेंगे तो डी ऑप्शन जो है गलत आएगा आपके पास, तो आंसर हमारा सी आ जाता है। तो सवाल में बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना था, ये सारे फॉर्मूले सबको याद होते हैं और आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सवाल जो है इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है, यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप कर सकते हैं।